हाजीपुर के हथसाड़गंज स्थित कन्या मध्य विद्यालय में छुट्टी के विवाद को लेकर प्रभारी शिक्षिका और फिजिकल विषय की शिक्षिका आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि फिजिकल टीचर आशा सिंह दो दिन पहले फ़ोन पर सीएल नहीं भरने की धमकी प्रधान शिक्षिका को दी थी, जिसके बाद प्रधान शिक्षिका ने आशा सिंह के नहीं आने पर उसके उपस्थिति में सीएल भर दिया, जिससे नाराज आशा सिंह स्कूल पहुंची और पहले तू मैं से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद विवाद हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें प्रधान शिक्षिका घायल हो गई। मारपीट की खबर सुनते ही आसपास के लोग जुट गए और दोनों को शांत कराया। स्कूल में सीएल को लेकर दो शिक्षिका में मारपीट चर्चा का विषय बना हुआ है। छः और सात को हमको एचएम प्रभार बनाकर विद्यालय प्रभार बनाया हमको, तो हम प्रभार ले लिए। उसके बाद उसके कॉल में जो 6 तारीख को लेट से आई तो हम भी कुछ नहीं बोले, हम भी अपना आए टाइम पर, लेकिन 7 तारीख को वह धमकी दे कर गई कि देखते हैं कि 7 तारीख को कैसे आप सीएल हम मेरा भर देते हैं। तो हम सीएल अपना भर दिए, नहीं आए सारे टीचर लोग, 9 बजे एकदम पहुँच गए, लेकिन आशा सिंह विद्यालय नहीं पहुँची, धमकी देकर गई कि अगर आप अगर भरिएगा आकस्मिक अवकाश तो हम 9 तारीख को हम आपको पीटेंगे। अब वही पीटी, हम बहुत पीटी है, ऐसे कि देखिए आँख पर कैसे। तो कब मारपीट कब हुआ? 9 तारीख को हुआ है। आई और पीटना शुरू कर दी, आते पीटना शुरू कर, आकस्मिक देखी कि भरा हुआ मेरे कॉलम में। हाँ। तो आपसे छुट्टी उट्टी नहीं ली थी? ऐसे ही छुट्टी ऐसा ही दे चलिए, लेकिन धमकी देकर गई थी उस दिन, तो 7 तारीख को। उनके साथ और बाहरी लोग भी आए थे आपसे मारपीट करने के लिए कि सिर्फ वही? केवल वही हमको मारना शुरू कर दिया अचानक से। हम अपना ऑफिशियल काम कर रहे थे, हमको कुर्सी इस तरह का टेढ़ा कर दी और हमको नीचे गिरा दी, नीचे जमीन पर पीछे, और मारना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो टीचर यहाँ उपस्थित थे उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया उस समय? तो नहीं, कोई प्रयास नहीं। नाम बता दीजिए अपना। संगीता कुमारी। अभी जो एचएम सर जितना जो आपको बताए हैं सब तो आरोप है मेरे पर, बताएं तो आरोप है ना? हाँ आरोप है उनका, तो हम भी अपनी बात बोल कह रहे हैं, तो उनका जितना बताया गया बात है वो सब झूठा आरोप है मेरे ऊपर, सुन रहे हैं ना? और जहाँ तक की बात है तो अभी परिस्थिति COVID-19 के लेके स्कूल में बंदी चल रहा है, बच्चों का आना जाना बंद है ना? मेरा आना जाना 3 किलोमीटर से आते हैं हम, और क्या स्थिति है नगर परिषद में भी उसका फोटो गया है, हम किस स्थिति में यहाँ आते हैं वो तो जो देखता है रास्ते में वो लोग जानेंगे या हम जानेंगे। 6 महीना तक विभा कुमारी के, अर्चना कुमारी के घर तक रजिस्टर गया है हाजिरी बनाने के लिए, ऐसा नियम है नहीं है ना? अगर आप गार्जियन हैं तो भेदभाव नहीं कीजिए। आज मेरी परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, हम भी उतना हम भर कमर पानी हम हेल करके यहाँ आते हैं, पार करके आते हैं, तो आप मेरा भी समझिएगा ना क्यों? तो हम एक दिन हम मौखिक बोल के गए थे शनिवार के दिन, 1 घंटा के लिए विद्यालय खुलता है, जितना दिन से बच्चों की बंदी है तो विद्यालय 2 घंटा के लिए ही खुला है, और सभी लोग 2 घंटा के लिए ही आए हैं और गए हैं, यही सच्चाई है। सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो सच पूरी तरह से जानिए। हम विद्यालय के स्टाफ हैं, सदस्य हैं, हमसे भी कुछ छुपान हुआ नहीं है। अगर सब हमारे खिलाफ हैं तो जो भी सच्चाई है हम सबके सामने लाएंगे। जी नहीं, मारपीट संगीता कुमारी के मारपीट करने का आदत है, पहले भी बीओ साहब नवनाथ मिश्रा बीओ साहब थे तो संगीता मैडम बच्ची मैडम को मारी थी, वो प्रूफ है। संजय सर एगो थे, क्या केआरपी थे कि क्या थे कार्यालय में, तो वो आए थे
और बीओ साहब आए थे पंचायती करने के लिए, समझाने के लिए, तो उनको मारने का आदत है संगीता मैडम को, तो मारेंगी तो मार खाएंगी ना, तो जो जीतेगा वो मारेगा, जो जीतेगा वो मारेगा ना, मारपीट होगी तो जो जीतेगा वो मारेगा, तो दोनों आदमी मारपीट किए, मारने आई प्रभारी होके मारने आई तो हम भी मारे, गलत क्या किए जी। हाँ, हम कोई चीज जब हम नहीं देखते हैं नहीं सुनते हैं तो फिर हम आने जाने के लिए 6 महीना आप किसी को हाजिरी बनाइएगा किसी का, तो मेरा भी बनवाइएगा ना, अभी मेरा परिस्थिति क्या है, हम आते जाते हैं तो हम भी बनवाएंगे ना, तो हम मांगेंगे ना, अधिकार है ना मेरा। अगर भेदभाव, अगर भेदभाव नहीं होगा तो झंझट नहीं होगा। दो भाई के बीच में भी अगर झंझट होता है तो एक भाई दूसरे भाई के चीज पर लालच करता है तभी झंझट शुरू होता है, और यहाँ भी वही कहानी है, विद्यालय परिवार में भी वही कहानी है। हाँ जी, हाँ तो 10 शिक्षक मिलके एक शिक्षक के साथ मारपीट करे क्या ये सही है, बताइए, जवाब दीजिए। तो सही नहीं है, ये बात तो सही है, सबके बाहर वाली है, आ हमको भी बाहर वाली बनाना चाह रहे हैं, आओ हेड सर कोई नहीं, जब से आए तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आ सबके सरवन सर के भी है बाहर वाली, विभा कुमारी, विभा सच्चाई है, मेरा गला भी काट लीजिएगा ना तो हम मर जाएंगे, लेकिन यही बात बोलते रहेंगे, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक बोलेंगे, यही सच है, आ हम किसी के बाहर वाली नहीं है, इसीलिए हमारे साथ टॉर्चर होता है, नहीं वो हम पर आशिक है, हम कोयले है कि क्या है पता नहीं, आज तक मेरे पति मेरा बराइयो नहीं किए, हम नहीं जानते हैं हम क्या है, हम तो भगवान के समर्पित है, लेकिन वो मेरे ऊपर आशिक है, आ वो विभा कुमारी के, वो सरवन कुमार है। सही है सो सही है, सच है सो सच है, मारपीट ठीक है, तो मारने आएगा तो मारेंगे ना, मैंने आप भी मारे चाहे कोई मारे, हम नहीं कह रहे कि आप ही कोई भी मारपीट करे स्कूल में टीचर, हाथ उठाया जाएगा, और 6 महीना अगर हाजिरी बना तो मेरा एक दिन का सीएल क्यों भराएगा, हम बोल के गए थे मौखिक, क्यों भराएगा, हम उतना परिस्थिति में आते तो 6 महीना मेरा भी हाजिरी बनेगा ना, आप लोग भी गलत है, बाहर वाली रखे हुए हैं, हमको बाहर वाली बनाना चाह रहे हैं, हम नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, 50 साल की उम्र में हम बाहर वाली बनेंगे, हैं 50 साल की उम्र में हम बाहर वाली बनेंगे, मिल बांट के खाता है, चोरी करता है सब, विद्यालय में ताला रहता है, जिस दिन हम नहीं आते मेरा नाम बेच के या विद्यालय में ताला लगा, जिस दिन हम नहीं आए झूठो के आप जाइए ना, कहते हैं क्या वहाँ पर, कहे हैं क्या सर 4 दिन नहीं आई है तो हम छोड़ दिए, अरे तो 4 दिन हम नहीं आए हैं तो कोई नहीं आया है, यहाँ पर मेरा भी लोग है, 4 दिन हम नहीं आए तो कोई नहीं आया है, ताला चाबी के फोटो मेरे पास भी है, हम कल आएंगे तो लेते आएंगे, कहाँ घर है, हम दे देंगे आपको।